मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है UHV टीम आई सी टी टीम के जुड़े हुए लोगों से बात करने में मैं ज्यादा भूमिका नहीं लूंगा समय की भी सीमा है इसलिए मैं अपनी बात को सीधे तरीके से ही कहूंगा तो शायद मुझे लगता है ज्यादा सार्थक होगा 15 मई को जब रजनीश जी का कार्यक्रम सुना तो हमारी मान्य मंत्री जी की ये अपेक्षा थी कि राज आनंद संस्थान की गतिविधियों को थोड़ा विकसित किया जाए उसी कड़ी में रजनीश जी का ये कार्यक्रम हुआ था और रजनीश जी के कार्यक्रम के बाद राज आनंद संस्थान का ये विचार बना कि हमारे जो आनंदक हैं हमारे जो कुछ प्रतिभागी हैं उनके साथ हम लोग एक शिविर आयोजित करें यूएचयू टीम के साथ मैं सच्चे मन से आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम राज आनंद संस्थान के जो भी हमारे कार्यक्रम हैं चाहे वो हो हो या हो, या आनंद 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 कैलेंडर अथवा उत्सव हो उन सभी कार्यक्रमों में हमारा जो संप्रेषण का माध्यम था लोगों के लिए वो प्रायोगिक माध्यम था हम अपने एक्सपेरिमेंट टूल्स के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे मैं स्वयं बड़ा अनमना था मैंने सतप्रकाश जी से ये कहा भी कि मुझे लगता है हमको हमारे प्रतिभागियों को थोड़ा ब्रीफ करना चाहिए क्योंकि मुझे ये कार्यक्रम थोड़ा थियोटिकल लगता है और इसमें बातें बहुत अधिक हो रही हैं उसका संप्रेषण मुझे काफी कुछ सिद्धांतिक लगता है ऐसा मेरा प्रारंभिक तौर पर विचार था जब मैंने इस कार्यक्रम को पूरे पांच दिन में सुना पढ़ा देखा शायद ही कोई मिनट हो जब मैंने इस कार्यक्रम को कि एक मिनट को भी मिस किया हो तो मुझे लगा कि ये कार्यक्रम सैद्धांतिक भाव का कार्यक्रम नहीं है ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो थियोरटिकल है ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि इसमें ये बात सुनने में आपको कहीं अट्रैक्ट नहीं करती है ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है ये कुछ सुनने या सुनाने वाला कार्यक्रम नहीं है तो मुझे लगा कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा बहुत अलग है और इससे मुझे एक नई दिशा मिली जब मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में तो सहज स्वीकृति की बात होती है इस कार्यक्रम में हम श्रेष्ठता की बात करते हैं इस कार्यक्रम में हम राइट अंडरस्टैंडिंग और हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रिलेशनशिप पे इसकी बात करते हैं तो ये सारी वो बातें जो मेरे हार्ट से निकल करके आती हैं अथवा जो मेरे हार्ट को टच करती हैं तो ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम ने मुझे बहुत छुआ और मैंने अपनी मान्यता को छोड़ा कि ये कोई सैद्धांतिक कार्यक्रम है यह का कार्यक्रम है कार्यक्रम आत्मसात करने का है और यह कार्यक्रम दिल को छूने का है और इसलिए मैं उस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ जिसने इतनी सारी मेहनत करके इतना बड़ा काम किया है और हम लोगों तक पहुंचाया तो मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस कार्यक्रम से जो सबसे पहले मैंने सीखा कि मन की जिज्ञासा को शांत करने का एक ये भी तरीका है कि जब हम लॉजिकली कन्विंस्ड हो जाते हैं जब हम समझ आते हैं किसी बात को कि नहीं सही समझ यही है सही समझ के आधार पर हमारी जिज्ञासा शांत हो जाती है हमारे विचार शांत शांत हो हो जाते हैं, इच्छा हो जाती हैं, इच्छाएं जाती हमारी योग्यता को हम देख पाते हैं हम हमारे आत्म में स्थित हो जाते हैं वही काम हम प्रायोगिक संप्रेषण के माध्यम से करते हैं तो मुझे लगा कि ये राज अनुसंस्थान के लिए नया आयाम खुल गया है और हमारे पास एक दूसरी टेक्निक दूसरी विधि हो गई है जिसको लेकर के हम लोगों के पास जा सकते हैं और जिनको प्रायोगिक माध्यम से ये संतुष्टि नहीं होती है तो ये कैसा विषय है इस विषय के माध्यम से निश्चित रूप से लोगों के पास कोई ऐसे प्रश्न नहीं रह जाएंगे जिनका जवाब हम नहीं दे पाएंगे या जिनका जवाब वो उसमें खुद नहीं खोज पाएंगे तो हम बहुत कृतज्ञ हैं एक नई दिशा यूएचवी के माध्यम से जो राजाना संस्थान को प्राप्त हुई इस कार्यक्रम के माध्यम से दूसरी बात यूएच टीम ने इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है जो छोटी छोटी बातें हमारी समझ में आती हैं, उनके उनका स्पष्टीकरण जो हम कभी नहीं समझ पाए थे जैसे मेरी कुछ साथी ने कहा भी कि दया कृपा करुणा श्रेष्ठता योग्यता क्षमता विचार आशा ये बातें हम सुनते हैं सुनते रहे हैं परंतु इनका इतनी बारीकी से विश्लेषण करने का कभी मौका मिला हो उनको इतनी बारीकी से हमने कभी समझा हो ऐसा मौका कभी आया नहीं हमने भी बहुत सारी चीजों को बहुत सारे तरीके से देखा है सोचा है समझा है परंतु इस बात के माध्यम से जो हमारी समझ विकसित हुई है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझ न केवल मुझको या राजाना संस्थान को बल्कि हमारे सभी प्रतिभागियों को बहुत आगे तक लेकर के जाएगी और समाज में अब वो अधिक विश्वास के साथ अधिक भरोसे के साथ अपनी बात को कह पाएंगे क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अगर इस कार्यक्रम को उन्होंने सीख लिया है समझ लिया है तो कोई भी ऐसे व्यक्ति है जिसके प्रश्न का उत्तर वो ना दे पाए ऐसा मुझे नहीं लगता है तो हम दोनों तरीके से तैयार हो गए हैं इसलिए इतनी बढ़िया व्याख्या इतना अच्छा सिलेबस इतनी अच्छी शब्दावली हमारे लिए वास्तव में एक बहुत वरदान है व्यक्तिगत रूप से भी राजानंद संस्थान के लिए भी मध्य प्रदेश के लिए भी और उन सब प्रतिभागियों के लिए भी जो इससे जुड़े रहे हैं इस कार्यक्रम में मैंने खुद स्वयं से कोशिश की कि मैं भी कुछ जांचने और परखने की प्रक्रिया पर ध्यान दूं और मैं समझता था कि जो बड़ी बातें होती है जीवन में वही महत्वपूर्ण होती है वही जांचने की योग्य होती है आपका बोस से फाइट हो गया आपके किसी सबोर्डिनेट से हो गया किसी रिश्तेदार से कुछ ऐसी बातें हो गई किसी पड़ोसी से कोई ऐसी बातें हो गई जिससे आपको थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए तो मुझे लगता था बस यही एक कठिनाई होती है बाकी तो सब चीजें ठीक है परंतु तो जब मैंने खुद के स्तर पर इस बात को देखा और समझा तो मुझे लगा कि नहीं मैंने मेरे स्तर पर मुझे क्या डिस्टरबेंस हो रहे हैं जहां कोई भी दूसरा आदमी बीच में नहीं आ रहा है क्या ऐसा भी कुछ है तो मैंने देखा कि दिन भर नहीं बल्कि प्रति घंटे ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है जो मुझे खुद मेरी खुद की बात या खुद के विचार मुझे ही डिस्टर्ब करते हैं तो मैं यूएचवी की टीम के लिए इस बात के लिए भी बहुत बड़ा आभारी हूँ स्वयं मेरे अंदर जो होती हैं उसको अब मैं इस बात से परख सका हूँ उसको इस बात से मेरे समझने की जो क्षमता या जो मेरी योग्यता है वो विकसित हुई है और अब जैसे ही मैं किसी बात को जांचता हूँ तो मुझे सहज होने में ज्यादा असुविधा नहीं होती इस ज्ञान के माध्यम से इस योग्यता के माध्यम से मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना भी चाहा कि मेरे परिवार के साथ मेरे पास दो ड्राइवर हैं और एक मेरे यहाँ बेड सर्वेंट है तो मैंने सोचा कि ठीक है जो मेरी क्षमता है जो मेरी योग्यता का थोड़ी विकसित हुई है तो मैं इसके लिए कुछ काम करके देखता हूँ मैं पहले भी कोशिश करता था कि आप तीनों लोग वैक्सीन लगा लीजिए वो तीनों ही लोग 24-25 साल की है इसके होंगे उसमें से दो मुस्लिम जाति के थे और एक जो लड़की थी वो बेड सर्वेंट है तो वो मुझे रोज बहाने बताती थी कि हम बीमार पड़ जाएंगे हमारे घर में खाना कौन बनाएगा कैसे क्या काम करेंगे तो जैसे ही हमारी कार्यशाला शुरू हुई छब्बीस तारीख को तो सत्ताईस तारीख को मुझे एक बात समझ में आई थी जो आपने बताया था कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा समझदार है तो हम उसके प्रति तत्पर हो जाएं और अगर आप समझदार हैं तो आप अपने खुद की अथवा उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए काम करें तो मैंने उस एक्सपेरिमेंट को इन तीनों के लिए करना चाहा और उन्होंने मुझे कई सारे कारण बताए कि हम बीमार हो जाएंगे तो मैंने कहा मैं इलाज कराऊंगा हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो मैंने कहा ठीक है चार दिन आप हमारे लिए महीने भर खाना बनाते तीन दिन हम आपके लिए खाना बना के आपके घर भेज देंगे जो है इस तरीके से वो कन्विंस्ड हो गए और फिर 27 तारीख की शाम को उन्होंने अपनी सहमति दे दी 28 तारीख को हमने उनका स्लॉट बुक करके उन तीनों लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया तो मुझे लगता है कि अगर हमारी योग्यता को हम सही अर्थों में सच्चे मन से सच्चे तरीके से बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका कोई ना कोई नतीजा अवश्य निकलता है ये सारी चीजें अगर हम सीख पाए हैं तो यूएचवी की टीम के माध्यम से ये हम सीख पाए हैं और हमको बड़ा गर्व महसूस होता है कि सीखने के ये भी कोई तरीके हो सकते हैं इससे जो हमारी समझ विकसित हुई है उसके लिए निसंदेह आप सभी लोगों के प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता है आभार भले ही नहीं हो पर मेरी कृतज्ञता बहुत ज्यादा है इस कार्यक्रम में मैं गणेश भैया राजुल भैया कुमार भैया मोहित भैया उमेश भैया जितेंद्र भैया परिचित भैया दिलसाद भैया उपासना दीदी का तह दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ इतने बड़े प्रयासों के बाद इतने कम समय में उन्होंने हमारे लिए कार्यक्रम आयोजित किया हमें बहुत अच्छा लगा मैं प्रोफेसर सोमानी और धीरेन्द्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ रहे चूंकि हम सभी मध्य प्रदेश में हैं तो हम मध्य प्रदेश में मिल करके और अधिक चीजों को आगे ले जा सकते हैं और हम सब लोग आपस में मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे प्रोफेसर चारण प्रोफेसर तो रजनीश जी के द्वारा भी जो बातें हमको कही गई हैं जाते जाते भी वो हमको एक बात समझा गए कि रिएक्ट नहीं करना है रिस्पोंड करना है और रजनीश जी के द्वारा जो के बारे में भाव रखे गए हैं हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन सब चीजों को अपने ध्यान में रखें और उन चीजों को हम आकर आगे लेकर के बढ़ा के जाए हमारे बीच हमारे सीओ सी सर नहीं है कतिपय कारणों से पर आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं वह होते तो इस

प्रारंभ में हम मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ करना चाहेंगे इस प्रकार से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए ये अधिक लाभकारी हो सकती है और जैसा कि अभी हमारे सामने एक बात आई थी कि हमको हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं का परिवर्तन अगर हमने स्वयं का परिवर्तन कर लिया हमने समाज का परिवर्तन कर लिया इसी मान्यता को मैं भी मानता हूँ इस दृढ़ता को हम मध्य प्रदेश के सुदूर ब्लॉक एरिया तक गांव के एरिया तक लेकर के जाएंगे मैं एक बार फिर से पूरे पूरे परिवार को जुड़े हुए सभी लोगों को और विशेष रूप से उन प्रतिभागियों को जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जिन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ और बहुत ही लगन के साथ इस चीज को सीखा है मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत सहायक रहा होगा तो मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत बहुत थैंक्स मैनी थैंक्स ऑल ऑफ यू हाँ तो मेरा ब्रीफ परिचय यही है प्रवीण कुमार गंगराडे हूं और अभी वर्तमान में राज्य आनंद संस्थान में निदेशक का दायित्व तो संभाल रहा हूं और जो इस कार्यक्रम के बारे में मेरे अनुभव और मैं थोड़ा सा साझा करना चाह रहा हूं कि जो यूएचवी या इसके साथ मेरा जो जुड़ाव है वो 2016 में सबसे पहले हुआ था मैं पहला शिविर मई 2016 में मैंने अपनी वाइफ के साथ कानपुर में किया था और इसकी प्रेरणा भी मुझे मेरे जो पारिवारिक मित्र हैं धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी उन्होंने दी थी और उनके कारण भी मैं वहाँ पहुँच पाया और ये विषय या ये, ये संस्था और ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में परिचित हो पाया था तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब एक दिशा दी और मैं इससे जुड़ पाया और मई 2016 में कानपुर में हमने जब प्रशिक्षण लिया तो विषय जब सामने आ रहे थे तो जो सबसे पहला मेरे को जिसको कहते हैं देखना या ध्यान जाना तो कानपुर में उस समय में बड़ा मतलब बिजली का प्रॉब्लम रहता था और बहुत गर्मी इसी महीने में मई के महीने में हम लोगों का वहाँ जाना हुआ था कानपुर में तो ये जब पहले दिन बात हो रही है तो गर्मी सहन नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोगों की जैसी आदत होती है कि गर्मी में ए में रहते हैं अब वहाँ तो लाइट ही नहीं होती थी ज़्यादातर लाइट चली जाती थी तो पहले दिन तो बड़ी असुविधा हुई फिर धीरे धीरे जब ये बात आ, सुनना शुरू की तो फिर उससे ध्यान हटके गया तो तीसरे दिन जब आ, आ, बागड़िया साहब ने ये बात शुरू की कि मैं और शरीर से मिलके मानव बनाए हम बने हुए हैं मैं अलग है शरीर अलग है और उन्होंने जो बात की जब से मेरा ध्यान जाना शुरू हुआ कि मैं की जो प्राथमिकता होती है मैं जिसे महत्वपूर्ण समझता है उसको देखता है मैं तो मैं से दूरी है शरीर की तो मैंने महसूस किया ये उदाहरण से कि मेरे को इतनी गर्मी लग रही है जब मैं किसी में महत्वपूर्ण उस गर्मी को मान लेता हूँ तो मैं गर्मी महसूस कर रहा था और अब मेरे को ये विषय बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है तो मेरा गर्मी पे ध्यान ही नहीं जा रहा है इतनी गर्मी में दिन में हम लोग बिना पंखे के और बिना लाइट के बैठे हुए हैं और विषय पे बात हो रही है उसके बावजूद भी मेरा ध्यान वहां है गर्मी पे ध्यान नहीं जा रहा तब से मेरा जो पहला मतलब देखने का काम शुरू हुआ कि मैं और शरीर अलग अलग है जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता है, है।, तो तो है और सामने से होता है तो सृष्टि दर्शन पे पूरा दिन हम लोग बात करते हैं तो जो सृष्टि दर्शन पे जैसा बात हो रही थी और जो चित्र एक कलरफुल और पूरा सृष्टि का जब वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था बड़ी स्क्रीन पे तो मुझे ऐसा लगा ऐसा एहसास हुआ जैसे कि गीता में जैसे कृष्ण ने विराट दर्शन के रूप में अपने विराट दर्शन दिए थे वैसा मेरे सामने भी पूरी सृष्टि खुल गई तो वो एक बड़ा सुंदर एहसास था उस समय में मुझे और ऐसा लगा कि बड़ा मैं मतलब कहीं अच्छी उस पर पहुंच रहा हूँ मैं मतलब मेरी जो बहुत सारी खोज थी या मैं जानना चाह रहा था बहुत सारी चीजों को विषय को तो मुझे सही रास्ता मिल गया फिर जब मैं वहां से लौट के आया तो जैसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में अपनी कोई आ, आ, क्या भागीदारी हो सकती है क्या बात कर सकते हैं तो जो लौट के आया मैं तो फिर यहाँ पर एक अवसर मिला कि राजानंद संस्थान में कुछ आ, 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 पोस्टिंग का मुझे तो मैंने सहरस राजानंद संस्थान में ये अपनी पोस्टिंग स्वीकार की उस समय जब ये राज्य आनंद संस्थान शुरू ही हो रहा था तो एक छोटे से कमरे में मुझे लगता है कि सात बाई आठ का कमरा था हम लोग पांच लोग बैठ के काम करते थे जिसमें अभी जो सत्याजी भी हैं सुस्मिता भी हैं उस समय ज्वाइन किए थे सब लोगों ने तो चूंकि मैं मूलतः ज्वाइंट डायरेक्टर था महिला बाल विकास में तो वहाँ के जो सब लोगों को ये बड़ा अजीब लगता था कि मैं इतनी सुख सुविधा पावर ये सब छोड़ के यहाँ क्यों आ गया है? ये राज्य आनंद संस्थान में तो मैंने कहा मैं अपने को खोजना और मेरे को सही का प्रस्ताव मिल गया है मैं उसी में लगना चाहता हूँ वही देखना चाहता हूँ तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या मालूम इसमें क्या हो गया है पर फिर मुझे जो मेरा संतुष्ट संतोष था या मेरे को जो संतुष्टि मिल रही थी इसको काम को करने में वो इससे पहले कभी भी नहीं मिली थी तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई फिर जो भागीदारी का दूसरा जो वहां से बात करके आए थे कि ये परिवार और इसमें अपने इस पे भी कैसे भागीदारी कर सकते हैं तो मुझे लगा कि ये प्रस्ताव मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे बड़ा आराम मिला है मुझे तो हमारे परिवार और मित्र लोग भी इस कार्यक्रम को सुने तो मैंने सभी के सामने प्रस्ताव रखा पर जैसे कहते हैं कि जब तक आप में परिवर्तन नहीं दिखता जैसे सुभेश चतुर्वेदी जी भी बोल रहे थे कि शब्दों से नहीं होता जब तक आप में परिवर्तन नहीं दिखता लोग स्वीकारते नहीं है हालांकि जो पहले से जिसमें ज्यादा परेशानी नहीं है जो पहले से ही इस क्रम में ठीक ठाक है उनमें परिवर्तन बहुत जल्दी से नहीं दिखता परंतु मेरा जीना बहुत गड़बड़ हो सकता है उसके पहले रहा हो तो मेरे में जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया वो सब नोटिस किया तो चार महीने बाद ही हम लोगों ने परिवार और मित्रों का एक पच्चीस लोगों का ग्रुप कानपुर में हम लोग अगस्त महीने में चार महीने बाद ही फिर अगस्त में कानपुर चले गए और इस प्रकार से वो वहाँ मेरा सेकंड शिविर था उससे ये जो लाभ हुआ कि हम लोगों का एक जो चर्चा होती थी या परिवार में या मित्रों में अब एक विषय में लिया पहले हम अनावश्यक बहुत सारी चीजों पे बात करते थे और उस उसपे समय बर्बाद करते थे अब उनमें बात करने से ये जांचने परखने का काम लगातार चलता रहा और जहाँ पर भी किसी को कुछ समस्या या कुछ लगता था कि इस पर क्या बात हो सकती है तो हम लोग उस उसपे लगातार बात करते रहे तो इस ढंग से ये मेरा ये लगातार चलता रहा फिर मैं जब आनंद संस्थान से जो कुछ भी पॉलिटिकल या जो परिवर्तन हुआ तो फिर मुझे माननीय मंत्री जी क्या के महिला बाल विकास में ओस के रूप में मेरी नियुक्ति हुई अब मुझे लगा कि यहाँ मेरी क्या भूमिका हो सकती है या क्योंकि अब ये कार्यक्रम का ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में जब हम शुरू करते हैं तो हमेशा ये लगता है कि ये समझ वाला मुद्दा या इसको कैसे समाज में या कैसे इसमें भागीदारी करके इसको दूर तक फैला जाए तो जो भी जगह पे होता है वो ढूंढते हैं कि किस ढंग से इसलिए मैं विस्तार इस से बता रहा हूँ तो फिर मैंने वहां ढूंढा कि यहाँ मेरी क्या भूमिका हो सकती है क्या भागीदारी हो सकती है तो फिर हम लोगों ने वहां एक बाल संस्कार केंद्र के रूप में हर ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी को बाल संस्कार केंद्र के रूप में परिवर्तन किया और उसमें थोड़ा बहुत समझदारी वाला जो काम है करने की कोशिश की हालांकि वो बहुत कम समय मिला और उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गई तो वो नहीं हो पाया मैंने स्वयं भी फिर दो आंगनबाड़ियों में जाके कि बच्चों में सही संस्कार का कैसे विकास किया जाए तो मेरी भी समझ बढ़ेगी मैं भी कुछ सीखूंगा और बच्चों में कैसे इसको कर सकते हैं तो बच्चों के साथ बात करेंगे तो बड़ा अच्छा उसमें अनुभव हुआ कि जब हम बच्चों के साथ कुछ बात करते थे यही वाली पूरी बहुत छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में होते हैं चार से छह साल के बच्चे तो वो बड़े जल्दी उनका क्या है कि अनु आपका जो बात कहते हैं वो तत्काल मान लेते हैं तो उनमें बहुत परिवर्तन आने लगा थोड़े दिन मैंने काम किया तो उससे उनके माबा माता पिता थे उनको लगा कि इन बच्चों में क्यों परिवर्तन आ रहा है तो वो भी आकर्षित हुआ इस विषय के प्रति और वो लोग भी आने लगे कि आप जो बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हो हमसे भी बात करिए तो बहुत ही परिवर्तन है और माँ बाप की जिसको कहते हैं सबसे सब बड़ी कमजोरी बच्चा ही होती है तो जब उनने बच्चों में परिवर्तन और इतना देखा तो वो उनका भी बड़ा आकर्षण बड़ा इस विषय पे तो उस विषय पे भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं इसके अलावा मुझे एक और जगह जो दिखी ए, अपने भागीदारी करने की एक गरीब बच्चों का स्कूल है जहाँ बिना फीस के कुछ लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ जाके भी मैंने छोटे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इस विषय पर काम करना शुरू किया तो ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ पर काम करने का अवसर खुद से या जहाँ जिस रोल में हम लोग हैं वहाँ पे हमको आ, मिलता ही है और धीरे धीरे इसका अध्ययन मनन मेरा जारी है अभी सुबह का अभ्यास सत्र जो भजय ले रहे थे आ, वो भी मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था तो उसे मैं से मैं को देखना और मैं से शरीर को देखने का ही रहा हूँ और, का और सबसे अच्छी बात हो गई है कि संवेदनाओं के स्थान पर मूल्यों का आस्वादन आश, प्राथमिकता में आ गया है थोड़ा बहुत तो इससे बहुत ही आ, आराम मिल रहा है यही मेरी शेयरिंग थी और मुझे लगता है कि मैं जो समझ पाया हूँ उससे मैं यहाँ अभी पूरे दिन था इंटरेक्शन कर रहा था तो हमारे साथियों की जो समझ है वो कई गुना बेहतर है मुझसे लगता है कि कई गुना उन्होंने इतने आसानी से इस विषय को इतनी जल्दी समझा है तो ये बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद नमस्ते दीदी आ... नमस्ते भैया नमस्ते अह आ... ये मैं अपने व्यक्तिगत बारे में बात करूं उसके पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं इसके कार्यक्रम के बारे में खासतौर से जैसा प्रवीण जी ने कहा राजानंद संस्थान 2016 में जब बना था तो मूलतः हम लोग समझ पा रहे थे कि ये जो व्यक्ति की आंतरिक चेतना जो है उसमें आनंद की अनुभूति कैसे विकसित हो पाए इसके लिए कुछ टूल देखा जाए कुछ ऐसी पद्धतियां खोजी जाए और उनका विस्तार अगर हो पाए तो शायद लोगों को लाभ हो पाएगा तो इस दृष्टि से बहुत सारे लोगों से अलग अलग भेंट होती रही चर्चा भी बहुत सारी हुई इसी दौरान राजुल भैया और गणेश बगड़िया सर का भोपाल आगमन हुआ और हम लोगों ने लंबी बातचीत की तो बात उस समय मुझे ध्यान है गाड़ी में बैठ के हम लोग जा रहे थे मंत्रालय की तरफ तो मेरे मन में सवाल यही था जो आज बहुत सारे प्रतिभागियों के बाद भी आज के सुबह वाले सत्र में आया था कि ये बहुत सारे लोगों तक तो कैसे पहुंचाया जा सकता है तो मैंने भी बड़े उससे पूछा था कि इसको हम तो पूरे मध्य प्रदेश में चाहते हैं और ये विषय इतना सुनने में इतना कठिन लग रहा है तो इसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जा पाएंगे उसके लिए और फिर इतना समय जैसे उस समय ध्यान था कि आठ दिन का शिविर होता है इस बातचीत हुई थी तुमने तो कहा इतना समय भी मुश्किल है मिल पाना और इसको कैसे समझाया जा सकता फिर कालांतर में मैंने सोचा कि इसको पहले मैं खुद करके देखता हूं तो एक दो बार अवसर मिला शिविर करने का मुझे और फिर ये बात समझ में आ गई कि दरअसल जो हम राजना संस्थान के मोटो में कह रहे हैं कि व्यक्ति की आंतरिक चेतना को विकसित करना है और उसकी स्वयं में समझ बनानी है वो तो सब पे लागू होता है हम पे भी लागू होता है तो हम पहले अपने में समझ बना पाए और अपने को ठीक कर पाए तो शायद इसके बाद आगे की बात सोची जा सकती है कि हमारी भूमिका फिर परिवार में समाज में और सृष्टि के साथ किस तरह का हम निर्वहन कर पाएंगे तो ये एक स्पष्टता हुई और इस इस दौरान भी क्योंकि पिछले पांच दिन से मैं लगातार हूँ तो लगातार ये हर बार कही जाती है और मुझे ये स्वीकृति है सहस्वीकृति है कि ये जितना ज्यादा इस पे ध्यान देंगे जितना ज्यादा अपने को इसमें डुबाएंगे उतना ज्यादा नए नए तरीके से नए नए आयामों को हम समझ पा रहे हैं तो एक बात तो ये मुझे समझ में आ गई और राजानंद संस्थान में भी बाद में चूंकि वो शुरुआती दौर था तो बाद में हम लोगों ने ये रियलाइज कर लिया और हम इसको एक अपने ध्यय वाक्य भी बनाते हैं कि हम नारे भी लगाते हैं कि मैं आनंद में दुनिया आनंद में तो मेरा मतलब मैं या मेरा स्वयं का व्यक्ति का अपने आप के साथ ही शुरुआत हो सकती है तो समझ की शुरुआत स्वयं से ही करनी है परिवर्तन जब स्वयं में होगा तो हमारे कार्य में व्यवहार में वो परिलक्षित होगा और धीरे धीरे हम प्रमाणिकता की तरफ बढ़ेंगे तब शायद हम उसको दूसरों के लिए कर सकते हैं कह सकते हैं तो ये एक बात है जो मुझे लगता है कि राजानंद संस्थान के अपने काम से आ, काफी बहुत करीब तक जुड़ा हुआ है और इस दौरान जो कुछ भी हम लोगों ने प्रयास किया है उसके साथ अच्छी बातें हुई है जैसा प्रवीण जी कह रहे थे और हम लोग महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे दूसरे कार्यक्रमों की वजह खास तो से खासतौर से अलबिराम या जो दूसरे कार्यक्रम लोग कर रहे हैं उससे हमारे साथ जुड़े साथियों में एक स्तर की तैयारी हुई है कि वो इन सब विषयों को समझने के लिए मन से तैयार हों और उनकी अपने जीवन की प्राथमिकता में ये बातें आ गई हैं और इस वजह से भी हम काफी उत्साहित हैं कि बहुत सारे साथियों ने अपने आप को जब प्रस्तुत किया तो ये समझ में आ रहा था कि जिस चीज को समझने में मुझे चार पांच साल लग गए वो चीज काफी आसानी से लोगों तक गई है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये विषय गहन जरूर है लेकिन जटिल नहीं है और इसको हर कोई समझ सकता है हर कोई इसको अपना सकता है बस उसकी अपनी तैयारी हो वो स्वयं में इसको करना चाहता हो तो ये बहुत अच्छी बात है और हम जरूर ये प्रयास करेंगे कि इसमें हम अपने काम को संस्थान के अपने उद्देश्यों के साथ अपने कार्यों के साथ इस समझ को अगर साथ ले आते हैं तो ज्यादा प्रभावी तरीके से जो ज्यादातर लोगों तक आंतरिक अनुभूति को स्पष्ट करने की बात है वहाँ तक उनकी योग्यता बढ़ाने की बात है उसमें हम भागीदारी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद इतना ही कहना था मुझे